सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स का प्रोडक्शन एंड इस वीडियो के जरिए मैंने देखा है आप कोई भी रील्स वीडियो का बैकग्राउंड कैसे ब्लैक कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, एंड देखो यार, इस तरीके का जो कन्वर्टेड बैकग्राउंड होते हैं ना, मीन्स ब्लैक बैकग्राउंड, वो वाले वीडियो काफी वायरल जाते हैं हमारे रील्स में। सो अगर इस तरीके के वीडियो को क्रिएट करना है देन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले क्या है ना, आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो देखो यार, कैपकट एप्लीकेशन को यूज करने के लिए मे बी आपके कैपकट एप्लीकेशन में बहुत सारे एरर आ रहे होंगे, जैसे कि कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो वो नहीं हो रहा होगा। तो उसका रीज़न ये होता है ना कि कैपकट एप्लीकेशन को यार इंडिया में बैन कर दिया गया है। इसके लिए आपको एक कोई भी VPN की रिक्वायरमेंट होने वाली। सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्विक VPN, तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना। एंड यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो ये कनेक्ट करने का ऑप्शन है, तो कनेक्ट हो जाओगे। VPN से कनेक्ट हो जाने के बाद देन उसके बाद जस्ट यहाँ पे आप अपने कैपकट को ओपन करो, आप हर एक काम ईजिली कर पाओगे। ओके, नाउ सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपको एक स्टॉक वीडियो का बटन दिख रहा होगा, जस्ट इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जस्ट आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड भी देखने को मिल जाएगा, जस्ट उस बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा एंड ऐड कर लेना है। सो मैं थोड़ा सा लोडिंग होने का वेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे लोड हो जाने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे ब्लैक कलर को सेलेक्ट करना है एंड ऐड पे क्लिक कर देना। ओके, ऐड पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके का आपके सामने कुछ इंटरफेस आने वाला है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है बट अच्छा लगेगा जब हम एडिटिंग कर लेंगे। ठीक है, देन क्या है ना, जस्ट इस एडिटिंग मीन्स एंडिंग वाले पार्ट को आपको सेलेक्ट करना एंड इसे डिलीट कर देना। ओके, नाउ ये जो आपने ब्लैक कलर को लेके आया, जस्ट इसे आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। जितना टाइम तक मीन्स आपका वीडियो हो उतना टाइम तक इंक्रीज कर लेना। एंड देन यहाँ पे जस्ट आपको बैक कर देना है। देन यहाँ पे आपको जस्ट इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करते हैं, आपको लास्ट में एक फॉर्मेट का बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। 9:16 को जस्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। एंड देन आपको यहाँ पे फिर से बैक करना है, और अभी अभी आपने जो ये फोटो लेके आया जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड इसे आपको पूरे वीडियो में इस तरीके से जूम इन कर लेना होगा। ओके, अपने फिंगर से आप जूम इन कर सकते हो ईजिली। ओके, नाउ देन यहाँ पे आपको बैक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बट सबसे पहले आपको अपने ओवरले पे क्लिक करना होगा। ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जस्ट आप जो भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो जस्ट उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। सपोज मुझे इस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, सो मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एंड देन जस्ट यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आने वाला है। देन आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे रिमूव का एक बटन देखने को मिलता है, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है एंड थोड़ा टाइम तक वेट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिमूविंग हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, 20% हो चुका है एंड काफ़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट एंड आपके कैपेसिटी मीन्स मोबाइल का कैपेसिटी, नॉट योर, आपके मोबाइल का कैपेसिटी पे। सो देख लेना, थोड़ा टाइम में ये रिमूव कर देगा। देन यहाँ पे रिमूव करते हैं, आप देख सकते हो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है। बट देखो यार, नॉर्मली अगर ब्लैक कलर रहे तो उतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसे अच्छा क्रिएट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये देख लो कि आपको क्या करना है। इसमें थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है एंड एडजस्ट पे आना है, और अपने वीडियो का क्वालिटी को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए या यू बोलो और अच्छा देखने के लिए जस्ट यहाँ पे अपने ब्राइटनेस को क्लिक करना एंड इसे थोड़ा सा आप इंक्रीज करो। ठीक है, थोड़ा मीन्स व्हाट, 10-15% तक करना है। देन एक्सपोजर को आपको यहाँ पे 10-20% डिक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो ये एडिटिंग देख पा रहे होगे ना, वो यार मीन्स आईफोन टाइप का एडिटिंग हो जाएगा जो मैं करके दिखाने वाला, अगर इसे आप कर लेते हो तो। ठीक है, देन जस्ट यहाँ पे आपको हाइलाइट्स पे क्लिक करना है एंड इसे जस्ट थोड़ा सा आपको डिक्रीज कर देना होगा। एंड शैडो को जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, शैडो को भी डिक्रीज ही कर दो थोड़ा सा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो आपका मीन्स पहले का था एंड अभी का, तो इसमें ग्लो इफेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा ऐड हो चुका है। नाउ इसे कर लेने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है एंड आप देख पाओगे कि आपके वीडियो का क्वालिटी थोड़ा इन्हांस हो गया होगा। ठीक है, देन जस्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे बैक करना है और बैक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको एक इफेक्ट का बटन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको जस्ट सिंपली सा क्लिक करना है। देन उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बट आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इसे स्क्रॉल करना है एंड लास्ट में कहीं पे आपको शैडो का एक बटन देखने को मिल रहा होगा मीन्स कैटेगरी। सो इस शैडो वाले कैटेगरी को जस्ट सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि बहुत सारे लाइट वाले इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि ये स्पार्कल वाला है। एंड देखो यार, थोड़ा सा टाइम लगता है मीन्स इसे डाउनलोड होने में, तो इन पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा ये वाला डाउनलोड हो गया था, सो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। एंड अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि मीन्स इस तरीके का
ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कलर्स ऐड हो चुके हैं, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ था। सो हम क्या करेंगे, वही ओवरले पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड इसे फुल स्क्रीन में इस तरीके से अच्छा से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, नाउ अब हम वही इफेक्ट पे चले जाते हैं एंड कोई अच्छा वाला इफेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इफेक्ट पे क्लिक हो जा, हाँ हो गया। नाउ इस डायमंड वाले पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस पे क्लिक करके हम कोई और इफेक्ट यूज कर लेते हैं। यार देखो ये भी काफ़ी अच्छा है, मीन्स ठीक ही तो लग रहा है हमें, ठीक है। तो अगर आप ये चाहो देन इसे भी रख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे यार बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। सो आप इनमें से किसी को रख लेना, मुझे ज़्यादातर ये लीक वाला सही लगता है। सो मैं इसे अभी देख लेता हूँ यूज़ करके, आप भी देख लेना, अगर अच्छा लगे तो आप इसे यूज कर सकते हो। एंड देखो काफ़ी बंदे भाई लीक वाले को ही यूज़ करते हैं। सो ऐड कर लेने के बाद जस्ट क्या करना है, इसे आपको इंक्रीज करना है, जहाँ तक आपका वीडियो जस्ट उतना ही दूर तक इंक्रीज करना, क्यों वेस्ट में हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बैक कर देना है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आपका ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है, जिसमें कि बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है एंड साथ ही में इसमें एक इफेक्ट भी आपको देखने को मिल रही है। ओके, एंड देखो ये ओवरले में ना ये थोड़ा मीन्स अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ, सो इसे मैं डाउन कर लेता हूँ एंड एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो देख लेना आपको मीन्स जैसा भी अच्छा से एडजस्ट हो जाए आप कर लगे। ओके, नाउ इस तरीके से करके आप ये एडिटिंग कर पाओगे। देन यहाँ पे बैक करना है एंड देन यहाँ पे जस्ट आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना होगा और इसे आप एक्सपोर्ट कर सकोगे और काफ़ी इजीली इसे अपलोड करके काफ़ी सारे व्यूज़ गेन कर सकोगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।